2012 में फर्स्ट टाइम रिपीट किया था एंड आई एम अ फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द सोल्डर्मा फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड. इट्स अ बेसिकली स्किन रेंज प्रोडक्ट वी हैव अ फार्मास्यूटिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट एंड ट्रेडिंग इज देयर. सिंपल आज की चीज़ के लिए बोला कि व्हाट इज द व्हाट क्या चीज़ थी कि जो मैंने इक्विपमेंट से सीखा. चीज़ तो बहुत सारी थी, आज कहना चालू करूँगा तो हो सकता है एक हफ्ता तक उसके लिए बोल सकूँ, लेकिन गुड थिंग इज जो रियल में मेरे को हेल्प हुई है और बहुत बार में मैंने किसी को बताया है और फिर फीडबैक मिली है कि ये सुनने के बाद दूसरों को भी बेनिफिट हुआ. तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज दैट विच सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का तो कुछ अपना था ही नहीं, जो बेसिक चीज़ पे बात करें तो टाइम मैनेजमेंट. आज भी बोला गया था कि 7:15 को आना है तो 7:14 को मैं इधर था और दैट इज़ द डेली रूटीन वर्क हो गया है. और अपना अपना खुद का करना दैट इज इट्स नॉट बिग डील, वो हर कोई कर सकता है कि चला थोड़ा कॉन्शियस हो गए, थोड़ा वो इक्विप के बाद थोड़ा पावर आ गया तो यू कैन डू दैट. बट द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज दैट कि व्हेन योर स्टाफ व्हेन द पर्सन हु दे आर सराउंडिंग विथ यू इफ दे आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट द टाइम सो दैट्स अ हेड्स ऑफ एंड आई हैड डन द सेम. आज मेरे ऑफिस पे आप कभी भी जाओगे तो 10 बजे का टाइम है कि 10 बजे दैट इज द ऑफिस पे आने का टाइम है. 10:02 पे कोई नहीं आएगा और लेट आने वाला है तो उसने पहले से एक रिपोर्टिंग का हमने ग्रुप बनाया है उसके ऊपर वो व्हाट्सएप कर देगा कि ड्यू टू द एक्स वाई जेड रीजन आई एम नॉट एबल टू कम. उसका भी रूल्स है कि अगर आपको ये डालना है तो आगे के दिन शाम को डालना है. सुबह वो निकला और पता चला कि लेट हो गया, फिर व्हाट्सएप डालेगा कमी. और यही उनको बताया गया कि भाई यार टाइम मैनेजमेंट का ये बेनिफिट है. एंड ऑफ द डे आज मीटिंग भी हमारा स्टार्ट होता है तो 8:30 को मीटिंग स्टार्ट होता है. 8:30 कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहता है कि वो मीटिंग में नहीं, इंक्लूडिंग में. सो दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कल्चर में एक सोल्डरमा के कल्चर में आ रहा है. सेकंड थिंग जो माइंड के ऊपर कंट्रोल अपने को जो बोल दिया कि यार माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए तो माइंड पे कंट्रोल क्या हुआ कि चलो मैं बोलने में ये कंट्रोल रखूंगा या कुछ जो भी रहे बोलते हैं. लेकिन मैंने जो कंट्रोल इधर से सीखा दैट इज एक कि मेरा एक पूरा जो बोलते हैं ना कि एक बेड आई नॉट मैन ड्रिंक नहीं करता हूँ, स्मोक नहीं करता हूँ, तो वो अच्छी चीज़ थी. लेकिन हैबिट खराब ये थी कि मेरे को खाने का बहुत शौक है और बहुत यानी वो लेवल का है कि वो क्वांटिटी भी इतनी चाहिए. और कहने का मतलब है कि जब तक ऐसा ना लगे कि हाँ बस मजा गए और वो बॉडी बोलने ना लगे कि नहीं यार अभी खाओगे तो मुश्किल होगी, तब तक खाने. तो और उसमें वड़ा पाव एक पर्सनल एग्जाम्पल शेयर करता हूँ. वड़ा पाव ऐसा था कि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. तो कहीं पर भी मैं वड़ा पाव खाने जाऊंगा तो कोई कोई जगह तो ऐसी भी कि वो देखेगा ना मैं आया हूँ तो पहले से वो 2-3 तो बना ही देगा, उसको मालूम है कि ये 5 तक खाएगा. तो 4-5 वड़ा पाव तो एक नॉर्मल हैबिट थी यार, और मैं खाऊंगा दूसरे को भी खिलाऊंगा यार खाना पड़े. तो वो मेरा एक बोलते हैं अभी एक वीक पॉइंट था कि वड़ा पाव अगर देखा तो फिर खा लेंगे, उसमें फिर पीछे नहीं जाएगा. वो तो अगर समझो मैं समझो ना पूरा दबा के खा के आया हूँ और थोड़ा भी गैप मिल गया और कोई बोलेगा ना कि खाना है तो नाम मुंह से नहीं निकलेगा. चलो लेट्स फिर इधर में सीखा कि यार कॉन्शियसनेस है. दूसरा अभी आई एम 36 ईयर, उस जब किया मैंने ईपेड उस टाइम पे मैं 31 ईयर था तो बोले अभी 30-40 साल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन 40 के बाद फिर इश्यू होने स्टार्ट हो गए तो अवेयरनेस के लिए अभी से कुछ करना चाहिए. और एक सेकंड हमारा लेसन था उसमें बताया गया कि जो बेड हैबिट है वो आगे छोड़ दो. तो वो सोचा कि भी ये बड़ा पाव वाला तो नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐसा करता हूँ कि 5 की जगह पे 4 या 3 पे जाऊँगा. फिर मैंने बोला नहीं यार ये तो चीटिंग होगा और सर बोल रहे कि अपने अपने लिए जो करना है उसमें चीटिंग मत करो, जो भी वो ट्रांसपेरेंट रहो. फिर डिसाइड किया कि मैं आज के बाद बड़ा पाव खाऊंगा ही सिंगल बीन. और अगर मैंने खा लिया माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसी टाइम पे जेब में से 500 का नोट निकाल के फाट दूंगा, फिर खा लेगा उस दिन के लिए एक टाइम के लिए. फिर दूसरी बार इच्छा होगी तो वापस 500 का नोट निकालो. बस ये चीज मैंने डाल दी, आज तक एक भी 500 का नोट फटा है. और वो से 2.5 साल तक एक भी बड़ा पाव नहीं हुआ. आज मन नहीं करता हाँ, अरे वो 2.5 साल तक नहीं हुआ. अरे क्या हो रहा था कि एक्चुअली होता क्या था पहले कि आज घर से लकी करके निकला हूँ, पहले जब इन्वेट किया उसके पहले कभी कंट्रोल तो था लेकिन होता क्या था कि यार छोड़ा हुआ नहीं खाऊंगा. तो माइंड और बॉडी दोनों अलग हो जाता है. बॉडी क्या बोलता है छोड़ने यार एक खा लेते हैं, एक में क्या फर्क पड़ता है यार, वो तो सुबह में वॉक तो करते चलो आज कल थोड़ा ज्यादा वॉक करेंगे, एक खाने में कहाँ प्रॉब्लम. फिर बोलेंगे चलो हमारे चलो यार एक में कुछ नहीं होता है, फिर एक खाने एक खाएंगे तो कुछ लगे नहीं, इससे तो अच्छा होता नहीं खाया. फिर बोलेंगे चलो यार
अभी अभी यार दो खाए तो चलो यार पूरा ही करते, कल नहीं खाऊंगा, ऐसा करके फिर तीन चार हो जाता था। लेकिन जब से ये नहीं, ये कहा कि आज के बाद एक भी नहीं, अदरवाइज 500 का लग, तो उससे माइंड जो हो गया कि खाना है, फिर माइंड और बॉडी अलग हो गए। अभी जैसे वो टिम्बक्टू करके एक बड़ा गाँव इधर है, वो अपना उधर मेरे यहाँ से 1000 से ज्यादा खाने हो गए, तो जैसे वहां से निकलेंगे तो माइंड में आएगा कि बड़ा गाँव है, ऑफकोर्स यार गाड़ी रुकनी भी चाहिए, माइंड बोलेगा कि हाँ खाते, बॉडी बोले ऑफकोर्स खाओ यार, लेकिन वो 500 का नोट वाला हटाओ तो खाएंगे, बोले नहीं यार वो तो करना पड़ेगा। फिर हमने बोला है 2.5 साल तक एक भी नहीं हुआ, इधर आए तो उन्होंने उस टाइम पे आई थिंक 72,000 समथिंग फीस था, तो मैंने क्या सोचा 72 है ना, अपना 40 पे तो कर देंगे उन्होंने, ऐसा सोच के आया। फिर उस टाइम भी एक भाई थे, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने आके बोला कि सर ऐसे ऐसे है आपको करना है, तो मैंने बोला लेकिन बेनिफिट क्या होगा, फायदा उसको, उन्होंने बोला कि बहुत बेनिफिट है। फिर सर से मिला, तो सर से जाके मैंने यही स्टोरी चालू कर दिया कि सर मेरा ग्रुप इतना बड़ा है कि करीबन में ज्वाइन होगा ना तो मेरे साथ 2-3 लोग तो वैसे ही ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद भी 5-6 लोग आएंगे, तो सर अभी थोड़ा देखो आप कितना हो सकता है, तो एक ऐसा कॉर्पोरेट लेन दे दो। सर ने बोले 1 भी रुपया मत दो, आप ज्वाइन करो, और आपको लगता है आपका चेक मैं रखता हूँ, जब तक आप बोलोगे नहीं कि ये बोलो तब तक नहीं करूँगा, दैट इज माई वर्ड, लेकिन आपको लगे कि ना आना जरूरी, आप बीच में नहीं आए तो नहीं चलेगा, फिर आपको लगे कि नहीं आना है, तो उस टाइम पर ऐसा लगा मेरे को कि यार ये फिर ये तो ये कोर्स नहीं करना चाहिए, तो बार्गेन नहीं करते कोर्स का क्या मतलब। फिर बाहर गया फिर सोचा कि यार ये कुछ बोल रहे हैं तो समथिंग कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ट्राई करना चाहिए। उसके बाद एक मिनट किया ना तो ऐसा लगा कि अच्छा हुआ बार्गेन नहीं किया। तो कहने का मतलब क्या था कि पहला ही मेरा बेनिफिट क्या हुआ कि जो मेरा एक बोलते हैं ना कि सर्कल था कि जहाँ पर मैं फंसा हुआ था, कि जो अच्छी चीज़ भी पसंद है लेकिन बार्गेन नहीं हो रहा है तो नहीं लेना, वो सबसे पहले मेरा एक नेचर चेंज हो गया। और सबसे अच्छा जो मेरे को लगा ये अपना जो माइंड है ना वो पावरफुल है, लेकिन कभी कभी क्या कहता है कि वो अपने को ही गलती सिखाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब विपेड में आते हैं ना तो वो बाहर लिफ्ट के बाजू में थोड़ी जगह है, माइंड को उधर छोड़ के आएगा तो जो बेनिफिट होगा ना दैट इज डैम श्योर। आप पर्सनली ट्राई करना कि इधर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर बोलेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो अपने को लगता है यार वो रिक्शा वाला भी आपको कॉल करे कि सर मैं रिक्शा लेके निकला हूँ क्या है क्या, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि मैं जब भी आता था और जैसे ईपीएड में फोन रख दिया अंदर बाहर निकलूंगा तो करीबन 150 से 200 मिस कर रहे थे, 100, 50, 70, 80 इतने, और मैं बताता भी था कि सर देखो इतने तो मिस कर, आज मैं इधर पूरा दिन बैठूंगा ना तो ऑफिस और फैक्ट्री से 3 कॉल से ज़्यादा आएंगे, टोटल 10 कॉल आएंगे, उसमें से 7 वो लोन वाले रहेंगे या तो अपने कोई काम के नहीं रहेंगे और कोई फ्रेंड का रहेंगे, ऑफिस या फैक्ट्री से 3 कॉल से ज़्यादा कॉल आएंगे। सो दैट इज़ द लर्निंग ऑफ द ईपीएड, काम वही चल रहा है उससे भी स्मूथ चल रहा है, लेकिन वो जो लेवरेजिंग सर ने सिखाया कि जो लड़का आपने रखा हुआ है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करो, सो दैट इज गुड। थैंक यू। प्रश्न।
दूसरे साल मैंने 8 करोड़ किया, उसके बाद यानी कहने का मतलब है कि 70-80% ग्रोथ एवरी ईयर आया, और लास्ट ईयर जो हमने किया था तो वो एक फिगर ऐसी थी कि उसके बाद फार्मा में ग्रोथ लेना थोड़ा मुश्किल है, वो जो बोलते हैं ना सैचुरेशन लेवल आ जाता है, लेकिन माइंड को एक फिक्स कर दिया कि नहीं यार ये नहीं करना है अपने को, तो आगे ही जाना है, तो ग्रोथ में तो बहुत अच्छा किया ये साल हम 25 करोड़ के आसपास, यार अभी ये जीएसटी आया है फिर भी पीछे नहीं हटे, लेकिन हो सकता है कि कहीं पे लेकिन 22 से नीचे जाने की स्कोप नहीं है ऐसा अभी लग रहा है, और थोड़ा एक्सपेंशन हमने इसलिए रोका क्योंकि हमारे में इश्यू होता है कि जब सबसे बड़ा पार्ट है सैलरी और डॉक्टर एक्सपेंस, और वो डॉक्टर एक्सपेंस और वो जो रहता है उसके पीछे जीएसटी में आप कुछ कर नहीं सकते, आपको होल्ड करना पड़ेगा, और वो सारी चीजें होल्ड करोगे तो सेल्स दिखेगा नहीं, तो 2-3 महीना आगे पीछे चला जाएगा, इसलिए उधर होल्ड किया हमने, वो नहीं करते तो डिजायर फिगर पे पहुंच जाते। फैमिली लाइफ में ये हुआ कि आज वो फोन कॉल्स बंद हो गए, तो आज मेरा लड़का बोलता है कि यार पापा तुम यानी कहने का मतलब है कि 7 बजे घर से पहुंच गए उसके पास, और उसके पास बैठेंगे बेटा तू आज, और एवरी डे मैं कल उसके स्कूल में क्या हुआ था मैं आपको बता सकता हूँ, और आज वो क्या करने वाला है वो भी मेरे को थोड़ा बहुत मालूम रहता है, दूसरा कि उसके साथ टाइम मिलता है तो उसको जाके बोलेंगे कि यार वो लड़का तेरे साथ था उसका एक मार्क तेरे से ज्यादा आया था तो वो सबको दिखा रहा था इस बार क्या हुआ उसका रिजल्ट, क्योंकि वो हम उसके साथ इतने अटैच है। अच्छा वो नई मैडम आई थी इंग्लिश पढ़ा रही थी, पहले वो मेरी वाइफ ही देख रही थी अभी भी वही देख रही है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके साथ बैठते हैं, और मम्मी पापा के साथ तो मैं डेली मॉर्निंग में बैठता था, अभी उनको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये, और दूसरा थोड़ा फ्रेश रहते हैं, और समझो 100 कॉल अटेंड करना है 200 करना तो भाई को थोड़ा तो लोड पड़ता है, अभी फ्रेश रहते हैं तो क्या रहता है कि उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं। दूसरा कि इक्वेट करने के बाद इधर जो मैं सीखता था वो पूरी चीज़ घर पर जाके मेरी वाइफ को बताता था कि यार ऐसा हुआ आज मैंने बड़ा पाव बंद किया है आज, और करीबन मैं 2 साल से ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 साल से हम मॉर्निंग ग्रुप हमने बनाया हुआ है, और वो मॉर्निंग ग्रुप में भी सेम टू सेम रिपीट, और वो 500 वाली है, मैं अभी मेरा ग्रुप में दिखा सकता हूँ कि क्या क्या सिस्टम की है, तो वो ग्रुप में ऐसा पार्ट किया कि 6 बज के 15 मिनट पे उधर पहुँच जाने का अपना वो एकलव्य गार्डन है उधर, और 6:05 का ग्रेस टाइम 6:21 को आया तो उसके घर पर टिक्की रखा है 500 की जगह, टिक्की यानी वो लोग वॉक करके उसके घर पर चले जाएंगे और उसके घर पर जाके नाश्ता करेंगे, और उसकी वाइफ को बोलेंगे कि घर का नाश्ता बना के जो भी हो सके, तो उससे क्या रहता है कि उसकी वाइफ को भी लगता है कि यार ये परेशानी है तो जल्दी से भेजती है कि यार जल्दी से पहुंच जाओ, और 1 मिनट और लास्ट 1.5 साल से एक बंदा ऐसा नहीं है कि जो लेट आया हो कि 6:21 को आया हो कभी नहीं हुआ, अभी वो टिक्की कैसे लेते हैं कि किसी ने अभी कहता है कि किसी ने बोला कि मैं नहीं आने वाला तो लिख देने का कि आज मैं नहीं आने वाला हूँ ड्यू टू दिस रीजन, और उसका फोटोग्राफ लगवाने मैं मुंबई जा रहा हूँ तो मेरा एयरपोर्ट पे इसे फोटो निकाल देना है 6:30 7:30 7:30 से पहले जो निकलना है, तो मैं आपको अभी निकल सकता हूँ कि आज एक बंदा नहीं आया तो उसका फोटोग्राफ आ ही गया होगा गारंटी है, तो वो सारी चीज़ें ईपेड में से हम सीखे, और आज मॉर्निंग वॉक करना तो मेरी वाइफ समझो ना सालों से बोलती थी कि कुछ करो ये करो नहीं हुआ, और आपने जो बोला फैमिली लाइफ में सबसे अच्छा ये हुआ कि मैंने कभी भी बुक नहीं पढ़ी है कभी भी, और बुक पढ़ना यानी मेरे लिए जबरदस्त है यार, और कुछ बोलो आप बोलो पिक्चर देखना है मैं 5 इकट्ठा देख लूँगा, लेकिन बुक नहीं, आज मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 70-80 बुक पढ़ी हुई है, और घर पे भी इतनी बुक है कुछ भी रहता है तो मैं मेरी वाइफ को भी देता हूँ वो भी उसमें से पढ़ के बोलती है कि अच्छा इसमें ऐसा हुआ था इसमें ये हुआ था, तो दैट इज़ द गुड थिंग, तो वो सारी चीज़ें एक फैमिली के लिए अच्छी हुई। सर आपने जो स्टाफ के लिए बताया कि रूम से रेगुलेशन स्टाफ 10 o'clock का जो टाइम फिक्स किया है 10 बजे आई जाए तो मतलब कुछ रूम से रेगुलेशन बनाया या उनसे आपने 1-to-1 किया किस तरह से इसको मैनेज किया? सी आज मेरे पास भी स्टाफ है मैं उसको चाहे जितना भी रनिंग करूंगा लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा रहेगा एब्सोल्युटली राइट, तो उसमें क्या था मतलब नहीं कोई मतलब हार्ड रूल है या मतलब अगर वो कोई भी मतलब 5-10 minutes 15 minutes ले जा गया तो आप कंसीडर करते हो या रूम से कंसीडर करते हो या मतलब किस तरह से आपने इसको मैनेज किया? और सर अगर वो सब टाइम पे है आपने भी ऐसा बेनिफिट भी रखा है कि अगर पूरे महीने पूरा सब टाइम पे है तो कुछ गिफ्ट देंगे या कुछ को मोटिवेट करेंगे ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। हाँ लेकिन एक ये बात है कि पहले क्या हुआ था कि जब रिपीट किया तो मैं तो समझो दौड़ने लगा लेकिन वो टीम तो उधर की उधर है, तो मैंने एक वैसा सर से किया कि सर ये तो ऊपर से प्रॉब्लम हो गया है अभी सारा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए तू यार ये नहीं कर रहा है ये फिर के सेकंड चैप्टर में ये आ रहा है लेवरेजिंग तो हो नहीं रहा है ये तो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो सारी अभी क्या ज्ञान मिल गया आपको लेकिन आजू बाजू में होता नहीं था, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया कि सबसे पहले ऐसा करो कि सबको बुलाओ
कर रखे, फिर बताया कि यार टाइम मैनेजमेंट जैसा कुछ होना चाहिए, फिर सर की से कुछ पढ़ा है, क्योंकि मैं उनको ऐसा बोलूंगा कि मैंने एडमिट किया है तो उसको क्या लगेगा कि यार वो कोर्स करके आया है इसलिए झाड़ रहा, तो उनको ऐसा नहीं पता, उनको पता है कि देखो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि और टाइम पे आए होंगे, और होता क्या है पहले क्या होता था कि 10 बजे का टाइम था, कोई 10:15 बजे आएगा, 10:15 बजे आके उस टाइम पे न्यूज पेपर रखते थे, तो न्यूज पेपर पढ़ेगा, चाय पिएगा, कंप्यूटर चालू करेगा, ये करेगा, उसमें 11 बजे के बाद ही वर्क चालू होगा। अभी सिस्टम क्या करती है कि 10 बजे आपको आके सीधा पहले काम करना है, और उसके लिए क्या करना है, तो जैसे अगर समझो कि कोई एक सिस्टम कैसे बना है कि 10 बजे का टाइम है, अगर 10 बजे से लेट कोई आता है तो उसको 500 रुपीज पे करना है, और उसका एक बंदे को बोल दिया कि ये है। दूसरा वो आया वो कैसे पता चलेगा, तो जैसे ही वो ऑफिस में आएगा तो उसका 10 और 10 बजे तक का व्हाट्सअप टाइम लिखा है, तो वो व्हाट्सअप में ग्रुप में डाल देता है कि ये मेरा अपना जो सक्सेस प्लान है उसका फोटो निकाल देता है कि आज मेरा इतना काम है, और वो रात को बना के जा रहा है, तो वो जो काम किया हुआ है उसका एक फोटो डाल देता है, और इवनिंग में वापस डालेगा ये जो काम है वो मैंने इतने किए हैं और जो नहीं हुए वो आकर फॉरवर्ड हो गए। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ कि कोई भी काम आपने बताया तो मॉर्निंग में ही दिखता था कि हाँ आज ये बंदा काम करने वाला है, और अपने को भी मालूम रहता है कि टीम क्या काम करे, तो वो 500 रुपये वाले सिस्टम रखी। शुरुआत में हंगामा भी हुआ, किसी को पसंद भी नहीं आया, तो सबको बोला था कि देखो यार पूछा उनको इंटरव्यू से कि ऐसा करे तो अच्छा है, तो क्या करना चाहिए थोड़ा आप गाइड करो, क्योंकि सर भी इधर वही करते यार मोबाइल में रिंग बजी तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि यार चलो सबको 500 दे रहे हैं, फिर अंदर अंदर हम डिसाइड करते हैं, और जब हम खुद डिसाइड करते हैं फिर उसका पावर पकड़ लेता है, तो उनको ही बोलने दिया, फिर ऑप्शन दिया वो जो स्मार्ट क्वेश्चन वाला, यार 500 रुपया काट ले और उस जो पैसा रहता है उससे अच्छा बुक करेंगे, और उसमें मैंने ऐसा बोला कि जो आपने कहा ना उसमें ऐसा बोला कि जो 500 रुपया मैं देता हूँ इसमें आपका 500 रुपया आया तो उसके ऊपर 1000 में डाल दूँगा, लेकिन उससे खाना खाना है तो वो अलग से जाओ, लेकिन किसी ने 500 किसी का एक आया 500 तो मेरा गलती है कि नहीं है मैं डाल दूंगा। और दूसरा सबसे बड़ा कि मैं भी खुद टाइम पे हूँ, ऐसा नहीं कि आई एम अ डायरेक्टर तो मैं लेट रहूंगा या ऐसा नहीं, मेरा टाइमिंग थोड़ा अलग ही जाने का क्योंकि मैं और कोई प्रायोरिटी करके जा रहा हूँ, लेकिन दैट इज माई टाइम, यानी ऐसा भी नहीं कि मैं 12 बजे या 11 बजे जाता हूँ, मेरा 10 मिनट या 15 मिनट लेट होता है क्योंकि मैं और उन लोगों से जल्दी निकलता हूँ, लेकिन फैक्ट्री पे जाना है या कुछ रिपोर्ट देखना है तो उसके बाद में जाता हूँ, उनको बताया कि मैं 10:15 को आ रहा हूँ या 10:05 को आ रहा हूँ, तो मैं कभी लेट नहीं हूँ, और मैं लेट हो तो मैं भी पैसा दूँ, सो दैट इज हेल्प फॉर मी। और आज वो जो इसमें तो क्या था ऑफिस में तो फिर भी इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो सेल्स का मीटिंग रहता था ना वो तो बंदा आएगा ही, 9 बजे का मीटिंग होगा वो आएगा ही 10 बजे, बोलेगा सर वो ट्रेन का ये होगा, और पहले ही बता दिया कि ट्रेन मिस हो जाएगी, बारिश ज़्यादा रहेगी, कभी कभी ये सारी चीज़ें रहेगी, लेकिन इसके बाद का ही वो 500 रुपया ले रहे हैं, तो उसके बाद एक दो बार 500 रुपया किसी ने दिया रहेगा, उसके बाद दे आर वेरी मच, हाँ उनका कुछ क्वेश्चन रहता है कि सर मैं जल्दी आ जाऊँगा तो मेरे को रात का एनालिसिस मिलेगा, हाँ यू विल गिव, वो एक थोड़ा अपना ये